हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक न्यूज है कि हाई कोर्ट के जज से कराई जाए जांच। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता जितनी हो रही है उसकी जांच के लिए एसटीएफ की जगह पे हाई कोर्ट के जज से कराने की मांग उठाई गई है। यह मांग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष एवं सपा नेता ऋचा सिंह ने मांग की है। उन्होंने कहा है कि एसटीएफ की जाँच का जो छात्रों के पास अनुभव है बहुत ख़राब है, क्योंकि काफ़ी एसटीएफ बदनाम है, ऐसा उनका आरोप है। लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड के पेपर लीक की जांच एसटीएफ पिछले 2 साल से कर रही है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो आप खुद सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में इनके अनुसार अगर ऐसा है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह जांच हो पाएगा। ऐसे में एसटीएफ से अनियमितता की समयबद्ध जाँच कैसे संभव है। उन्होंने ये भी मांग की है कि हाईकोर्ट के जज से इस मामले का समयबद्ध जाँच किया जाए। उधर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप दिया है और राज्यपाल को संबोधित इस ज्ञापन में भर्ती परीक्षा को निरस्त करके फिर से परीक्षा कराने के साथ इसमें व्याप्त जितनी गड़बड़ियाँ हैं उनकी न्यायिक जाँच जरूर कराई जाए। और प्रतिनिधि मंडल में शुभम यादव और काफ़ी लोग मौजूद रहे। इस भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलित न्याय मोर्चा से जुड़े प्रतियोगियों ने भी आरोप लगाया है। भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार दबाने का प्रयास हो रहा है और सरकार ना तो सीबीआई जांच करा पा रही है और ना ही भर्ती रद्द करा पा रही है और ना ही संबंध में विचार कर रही है। तो आंदोलित न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि जो गिरोह भ्रष्टाचार में लिप्त है वह प्रदेशव्यापी है। बकौल सुनील, इसे लेकर न्याय मोर्चा की लड़ाई परीक्षा निरस्त कराने और सीबीआई जांच तक जारी रहेगी। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है या परीक्षा निरस्त नहीं हो जाती है और पुनः परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा इनका कहना है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राज्य सरकार की ओर से दायर 3 विशेष अपीलों पर, क्योंकि 3 जो याचिकाएँ दायर की गई हैं वो आज शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। मामला जो है न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। जैसा कि पता होगा, 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 8 जून को मामले में 3 जून के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने के बिंदु पर सुनवाई पूरा कर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। एकल पीठ ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया कि प्रश्न और उत्तर भ्रमित करने वाले हैं। तरह की नकल के खेल में स्कूल पर भी सख्त। आपने सुना होगा, काफ़ी जगह देखा भी होगा, मेरे वीडियो में सुना होगा कि पूरे स्कूल का कमरा ही कमरा पूरा पूरा लिप्त है, पूरे सब लोग बैठ करके नकल कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े में खेल में शक की सुई बार बार स्कूलों की तरफ जाकर के टिक जा रही है और नकल माफियाओं के खेल का खुलासा तो एसटीएफ जांच में ही हो पाएगा। लेकिन परीक्षा व्यवस्था की गहन अगर पड़ताल करें तो सबसे कमज़ोर कड़ी वे स्कूल ही नज़र आते हैं जिन्हें पेपर कराने का जिम्मेदारी दिया गया था, क्योंकि नकल तो किसी के घर में हुआ नहीं था, नकल तो स्कूल में हुआ था। परीक्षा केंद्रों में भी पुराने रिकॉर्ड को देखें तो प्राइवेट स्कूलों का शक करने का कारण भी कहीं मिल जाएगा। इस भर्ती में 800 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई और पेपर 4 और 5 जनवरी को जिले में भेजे गए, जहां उन्हें कोषागार के डबल लॉकर में रखा गया और ट्रिपल लॉक से तोड़ दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर साल्वरों की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के दिन लखनऊ में ऐसा मामला पकड़ में आया था। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा के दौरान लखनऊ से एसटीएफ ने 9 साल्वरों को पकड़ा था। अगर 9 साल्वर पकड़े गए थे तो तुरंत ही भर्ती परीक्षा को रद्द करके तुरंत परीक्षा कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये वो लोग पकड़े गए थे जो एक ही पेपर, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पेपर था, उसके ये साल्वर थे और परीक्षा को सॉल्व करा रहे थे, उसके सॉल्वर थे और पेपर को सॉल्व करा रहे थे। यानी कि अगर नकल हुआ होगा तो इनकी कड़ी कम नहीं रही होगी, बहुत ज़्यादा रही होगी। अगर ये नकल करा रहे थे तो इनकी कड़ी एक जगह नहीं रही होगी, काफ़ी जगह रही होगी। वहीं कानपुर नगर के 2 स्कूलों में एक एक सॉल्वर एसटीएफ ने पकड़े थे और प्रयागराज के स्कूल से भी एसटीएफ ने एक सॉल्वर पकड़ा था। अब तक शायद हो सकता है छूट गए हों। 69,000 भर्ती का ब्यौरा जुटा रही एसटीएफ। प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती के मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने अभ्यर्थियों से ठगी का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। ये अपराधियों को छोड़कर के अभ्यर्थियों को ढूंढ रहे हैं कितने अभ्यर्थियों ने पैसा दिया है। तो फिर क्या है, वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट करके कहा है कि लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, लाखों ने नौकरी की आस लगाई, अब सरकार को परीक्षा में सफल हुए लोगों को जवाब देना ही होगा। मिल ही रहा है जवाब, सबको पता ही होगा। तो राज्यपाल से मिले बेसिक शिक्षा मंत्री,
प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जितने भी घटनाएं इसमें चल रही हैं राज्यपाल को अवगत कराया। चलिए इनको भी बता दिया, अच्छा किया। मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने भी राज्यपाल को तथ्यों की जानकारी दी। दोनों लोगों ने मिलकर बता दिया पूरा क्या हो रहा है 69,000 में, ये काम अच्छा किया। वहीं 69,000 की तरफ बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एसटीएफ जो जाँच में लगी हुई है अनामिका से, क्योंकि अनामिका प्रकरण 69,000 प्रकरण से कुछ कम नहीं है। जिस तरह इसमें जांच कर रही है एसटीएफ, यूपी एसटीएफ, ऐसे ही 69,000 में भी वही एसटीएफ की टीम जांच कर रही है, बस टीम ए बी करके होता है। गोंडा में 5 एजेंसियों ने शुरू की जांच। जो असली अनामिका के शैक्षिक अभिलेख किस तरह फर्जीवाड़े तक पहुंच गए, रैकेट तक पहुंच गए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसी बात को समझने के लिए 5 एजेंसियों ने जाँच कर दी है गोंडा में। तो अनामिका से जुड़े दस्तावेज एसटीएफ ने मांग लिए हैं कि आप जितने भी आपके पास दस्तावेज हैं दीजिए, पता लगाया जाए कौन सही है कौन नकली है। वहीं सहारनपुर की वार्डन फर्जी नियुक्ति में बर्खास्त। भाई जब अध्यापक फर्जी हैं, प्रधानाचार्य फर्जी हैं, तो ये तो वार्डन हैं, इनकी एक ऐसी असली हो सकती हैं। एक स्कूल छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नकली हैं। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है बस ये केवल असली है, बाकी जितने हैं उसमें सब नकली हैं, सब फ्रॉडिये से भर्ती हुए हैं, जैसा कि अब तक आप लोग न्यूज़ सुन ही रहे होंगे। अब एसटीएफ पूरे प्रदेश में इस मामले की जांच करेगी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हर पहलू की जांच की जाएगी। 69,000 की तरह जाँच चलती रहेगी लग रहा है। अभी तक गोंडा में असली अनामिका शुक्ला के सामने आने के बाद एसटीएफ की मदद पुलिस ले रही है, क्योंकि आपको पता होगा अनामिका शुक्ला खुद सामने आई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो मैं सबके सामने ना आऊं तो हो सकता है मुझे सबके सामने आना पड़ जाए। तो वो सबके सामने आई और अपनी बात बताई, क्योंकि वो फ्रॉड नहीं है, अनामिका शुक्ला जो असली वाली है वो फ्रॉड नहीं है। अभी तक की जानकारी के अनुसार उनके पास जो अपने मार्कशीट हैं खुद के, उनके मार्कशीट को यूज किया गया है। और इसी और जान लीजिए, जो लोग भी अनुदेशक के पद पर हैं या जिन लोगों के संपर्क में लोग अनुदेशक के पद पर हैं, उन लोगों के भी डिटेल्स चेक किए जाएंगे, उन लोगों के भी दस्तावेज मार्कशीट वगैरह चेक होगा, सबका एक बार जांच होगा। क्योंकि ऐसा मानना है एसटीएफ का कि हो सकता है जो अनुदेशकों की भर्ती हुई है, क्योंकि ये जो मास्टरमाइंड था अनुदेशकों के भर्ती से भी जुड़ा हुआ था, इसीलिए अनुदेशकों के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं और उनकी भी जाँच होनी तय है। जैसे ही अनामिका प्रकरण में जांच कंप्लीट होती है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संबंध में, तुरंत ही अनुदेशकों का जो जांच होगा वो प्रारंभ हो जाएगा। लोगों के लिए न्यूज़ स्पेशली है कि उन लोगों का भी जांच होने वाला है, क्योंकि उस प्रकरण में, अनामिका प्रकरण में जो मास्टरमाइंड राज गिरफ्तार हुआ है, वह अनुदेशक के भर्ती में भी शेनमारी किया था। एक न्यूज़ और जान लेते हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी का मामला है। एक दिन मैंने वीडियो में बताया भी था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि 69,000 में भी ठीक ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में यूपी ट्रिपल एससी के सचिव आशुतोष मोहन अग्नेत्री को नोटिस जारी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने आशुतोष दुबे व 8 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता एम ए मुजीब को सुनकर दिया है। आबकारी आरक्षी भर्ती 2016 में प्रारंभ हुई थी, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसके बाद रिजल्ट नहीं घोषित किया गया। सब कुछ करने के बाद आज 4 साल हो गया, 4 साल पूरे हो गए, 1 साल और हो जाएगा तो पंचवर्षीय योजना ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा तो सरकार की तरफ से बताया गया कि शिकायत की जाँच चल रही है। देखिए 4 साल में जाँच चल रही है, हो सकता है 2-4 साल और लगे पूरा ही हो जाए जाँच। फिलहाल जाँच का और कोर्ट केस का सिलसिला यहाँ थमा नहीं है। एक वीडियो जल्दी आएगा, उस पर आप देखिएगा कितनी सारी भर्तियां हैं जो लगातार अभी तक लटकी हुई हैं। उन भर्तियों को कोई पूछने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं है। जिसका ज़्यादा हल्ला है उसका ज़्यादा जांच पहले होगा, जिसका कम हल्ला है वो बाद में जांच होता रहेगा। कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पद को भी भरने की याचिका हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्तियों में कैरी फॉरवर्ड करने के खिलाफ दाखिल याचिका पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संबंध करते हुए जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई का निर्देश दिया है। क्योंकि हर एक न्यूज़, हर एक वैकेंसी जो इस समय कोर्ट में चल रही है, 69,000 उसका एग्जाम्पल है। 69,000 में सब कुछ हो रहा है जो अन्य वैकेंसी में हो रहा है, क्योंकि लोग तो वही है ना। तो कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पद को भरने की याचिका हो गई है। आप भरने की याचिका से पहले जान लें कि ना भरने की भी याचिका पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड करने के खिलाफ
दाखिल याचिका से पहले लंबित याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए, यानी कि जिस तरह तीन याचिकाएं आज माननीय हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में हैं, सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, टाइट अप बोलते हैं, तो उन्हें जोड़ दिया जाता है और सबकी एक साथ सुनवाई की जाती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी रिसेंटली, उसमें काफ़ी सारी सीटें बच गई थी, तो काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो नेक्स्ट वैकेंसी में चाह रहे थे कि उन पदों को जोड़ दिया जाए जिससे अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकें। जैसे हम बात कर रहे हैं 68,500 की और 69,000 की, ध्यान से समझिएगा, आपको पता होगा 68,500 में लगभग 22,000 सीटें खाली हैं जिसकी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 69,000 में जोड़ दिया जाए, जितने अभ्यर्थी हैं सब सेटल हो जाएंगे मैक्सिमम लगभग। तो इसी तरह कांस्टेबल भर्ती में हुआ है, पिछली वैकेंसी में कुछ सीट बच गई थी तो नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन अभ्यर्थी क्या किए थे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे वे याचिका डाल दिए कि 68,500 की वैकेंसी का सीट 69,000 में ना जुड़ पाए, इस तरह का उसमें मामला हुआ है, उसकी भी सुनवाई एक सप्ताह में हो जाएगी। तो अभी ये भी मांग चल रही है 68,500 की जो सीटें हैं, 22,000 सीटें हैं, उन पर आखिर क्या हो रहा है, उन पर कौन लोग भर्ती होंगे, 140 वाले होंगे क्या, 145 वाले होंगे, 147 वाले होंगे कि 151 वाले होंगे। तो ऐसे सीटों को 69,000 में जोड़ दिया जाए और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको लगभग शामिल कर दिया जाए, क्योंकि सबका भला होगा तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल आज जो फैसला आने वाला है 11 बजे से 12 बजे के बीच में, क्योंकि 4 नंबर पे फाइल लगी हुई है तो थोड़ा समय लग जाता है, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में जो भी फैसला आएगा सुनाया जाएगा। चैनल लगातार बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिए, क्योंकि जितना भी वीडियो डालूंगा सबका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।